हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल MDM टेक टूविजन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, कोर्डेड बेल है, यहाँ पे कोर्डेड ऑफिस बेल है, इसको ऑफिस बेल बोलते हैं। ऑफिस बेल को जैसे यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, इसका आवाज़ बहुत अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, आवाज़ फटा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी सर्किट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला, क्योंकि इसका जो साउंड आपको सुन रहे हैं, साउंड का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गई, क्योंकि इस पर सर्किट कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इसके साउंड अच्छी तरह से आपको डोर बेल के साउंड अच्छी तरह आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों देखते हैं, इसको पहले स्विच ऑफ कर देता हूँ मैं, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया है इसको, एक बार यहाँ से नीचे से मैं स्क्रू ड्राइवर से पहले निकाल देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सर्किट को ओपन कर दिया है, आपको यहाँ से फिजिकली मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये कैपेसिटी है हमारा ट्रांसफार्मर, यहाँ से केबल थ्रू इनपुट सप्लाई आता है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है वो पहले देखेंगे एक बार, यहाँ पे सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है। सप्लाई तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये रेड वाले इंडिकेटर बता रहे हैं, तो इंडिकेटर बता, इसका मतलब वही होता है कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। तो इसे फिजिकली एक बार हम चेक करके देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये फिल्टर कैपेसिटर है, ये PF है, इसका मतलब कि इसको IFT बोलते हैं। IFT का मतलब कि आपको रेंज सिलेक्ट करना होता है, जैसे आपकी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे रेंज सिलेक्ट इस PF से कैपेसिटर से आप कर सकते हो। और यहाँ पे छोटा सा भी PF है, ये भी रेंज सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे छोटा छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे दोनों कैपेसिटर, इसमें से 3 कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर थोड़ा उग गया, फूल गया ऐसा लग रहा है। दोस्तों देख सकते, ध्यान से देखिए, ये हमारा कैपेसिटर यहाँ से फूल गया है, लग सकता है। देख सकते हो अच्छी तरह से मैं फोकस करता हूँ आपको बताने के लिए, ये कैपेसिटर हमारा फूल गया है, और ये दोनों कैपेसिटर सही तरह से आप देख सकते हो। तो हमको यहाँ से डाउट हो रहा है, इसे फिजिकली चेक करने से पता चलता है ये कैपेसिटर हमारा फूल गया है। तो इसको फूल गया का कारण क्या होता है, ये हमारा जहाँ पर जो DC सप्लाई यहाँ पर आता है, वो DC सप्लाई अच्छी तरह से स्टोर नहीं करता। कैपेसिटर काम वही होता है कि कैपेसिटर को वोल्टेज को स्टोर करना और डिस्चार्ज करना, तो यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर नहीं पूरी तरह से कर सकता, इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। कैपेसिटर में आपको बदल के एक बार बताऊँगा। तो दोस्तों देख, तो यहाँ पे शोल्डर से पहले इसको मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे शोल्डर से मैं इस कैपेसिटर को अच्छी तरह से मैं इसको निकाल देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर जैसे ऊपर से फूल गया था, तो देख सकते हो ये वाला फूल गया था, वह यहाँ पे मैंने ये नया कैपेसिटर मार्केट में परचेस करके लाया। दोस्तों देख लीजिए ये कैपेसिटर, दोनों में अंतर क्या है, इसमें ये वाला कैपेसिटर थोड़ा ज़्यादा फूला हुआ है, और ये अच्छी तरह से क्योंकि ये कैपेसिटर ज़्यादा फूला होने से कैपेसिटर वोल्टेज को चार्ज नहीं करता, इसलिए स्टोरेज नहीं करता, इसलिए कैपेसिटर ख़राब हो गया है। दोस्तों इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, इसकी वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे, इसकी 330 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट, यहाँ पे ऐसा ही कैपे मार्केट में परचेस करके लाया हो, 330 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट है, 25 वोल्ट की जगह आप 35 वोल्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज वाला कैपेसिटर लगाना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका कम वोल्टेज कैपेसिटर लगा नहीं सकते, क्योंकि इसका वोल्टेज 12 वोल्ट से ज़्यादा आता होगा, इसलिए ये नहीं चल सकता, इसलिए 25 वोल्ट की जगह 35 वोल्ट में यहाँ पे लगा के आपको बताऊँगा। तो ये कैपेसिटर में आपको यहाँ से इस सर्किट में लगा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है, देख लीजिए ये वाला 33 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट का कैपेसिटर, 330 माइक्रोफेरड 35 वोल्ट का कैपेसिटर मैंने लगा दिया है। यहाँ पे एक बार हम टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कैपे चेंज करने से इसका जो फटी हुई जो आवाज़ आ रही थी बेल की, वो फटी हुई आवाज़ चली गई, अच्छी तरह से आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, मैंने अच्छी तरह से बेल को, कैपेसिटर का प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम मैंने रिपेयर कर दिया है। अब इसको फिट करके एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो अच्छी तरह से मैंने इसको फिटिंग कर दिया है, एक बार टेस्ट करके देख लेंगे हम।
दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसको रिपेयर करके आपको बता दिया है। दोस्तों हमारे वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। दोस्तों मैं इस वीडियो को 600 लाइक की उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।